फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है एंड ड्यू टू दिस फीचर करेंसी की हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है मैच्योरिटी साल में फिक्स्ड होती है हमारी मर्जी की मैच्योरिटी नहीं होती क्वांटिटी फिक्स होती है कि आपको क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। अब देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना एक्सचेंज में होता है तो अर्ली मैच्योर भी किया जा सकता है देयर इज ऑलवेज बायर एंड सेलर ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक छोटी सी आइडिया देता हूँ शेयर्स का या कमोडिटी की बात कर लेता हूँ। हमें आज है फॉर एग्जांपल 12 नवंबर हमें फॉर एग्जांपल 31 मार्च को $10,000 ऑयल परचेज करना यूएसए से सही जी सर। व्हाट इज द रिस्क सर यूएसए की करेंसी एप्रिशिएट कर जाए ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एप्रिसिएशन नहीं अभी हम करेंसी की बात नहीं कर रहे ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी अभी मैं यूएसए को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं करता मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूँ सही है ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी सही है नहीं सर। अच्छा अब मैं कमोडिटी जो है ना बाय तो एक्चुअली मार्केट से ही करूंगा लेकिन ये जो रिस्क है कि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी इसके लिए मैंने क्या किया ऑयल प्राइस ऑयल परचेज करने का या बाय करने का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 10,000 बैरल ऑयल खरीदूंगा तो मुझे रेट स्पेसिफाई किया गया $150 पर बैरल सपोज सही जी सर। अब क्या होगा ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना ये फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा और इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो अपनी वैल्यू है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जीरो होगी लेकिन जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी यानी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीदा है ये मेरे लिए गेन भी क्रिएट कर सकता है लॉस भी क्रिएट कर सकता है। हुआ ये कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई स्टार्ट राइजिंग मैंने सही कॉन्ट्रैक्ट किया गलत कॉन्ट्रैक्ट किया बताओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सही किया गलत किया करना चाहिए था नहीं करना चाहिए ज्यादा से हुआ है तो सही किया क्या मतलब अगर ऑयल प्राइसेस 1 रुपए से ज्यादा हुई है तो फिर तो सही किया रिस्क जो था ना मटेरियलाइज हो गया तो रिस्क मटेरियलाइज जब भी होगा हम कहेंगे हमने ठीक कॉन्ट्रैक्ट किया इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्चुअल मार्केट में मैं ऑयल खरीदने जाऊंगा ना 31 मार्च को तो प्राइसेस क्या हो चुकी होंगी सही है लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा वो तो लो वैल्यू पे किया हुआ है ना इसका मतलब है फ्यूचर मार्केट में मुझे गेन हो जाएगा ये एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे
तो गेन और लॉस भी तो उस चीज पे डिपेंड कर ना, कितना हमारी राइज हुई है प्राइस। हाँ बिल्कुल, तो हम कब कह रहे हैं कि 100% ऑफसेट होगा, गेन होगा नहीं होगा? हुआ भी है सर, ये बताओ गेन वो होगा भी या नहीं होगा? डिपेंड करता है, अगर प्राइस इतनी इतनी हाई ना हो कि वो तक नहीं नहीं पहुंच मैं गई वो नहीं कह रहा, तो। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर मार्केट में गेन हुआ होगा नहीं, चाहे 1 रुपए का भी गेन क्यों ना हो, गेन हुआ होगा या लॉस होगा? गेन तो आओ गेन ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक्चुअल मार्केट में लॉस होगा तो फ्यूचर मार्केट में गेन होगा, जब एक्चुअल मार्केट में गेन होगा तो फ्यूचर मार्केट में लॉस होगा। सही। कितना गेन होगा ये तो हम नहीं बता सकते जब तक हमें रेट्स नहीं पता, हमने हेज कर लिया इफेक्टिवली। अब होता क्या है कि हम एक्चुअल मार्केट से ऑयल खरीद लेंगे, और क्योंकि हमारी पेमेंट ज्यादा जा रही है तो जो एक्सिस पेमेंट होगी उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के गेन ने कवर कर लेना, तो हमारा लॉस मिटिगेट हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सही है जी। अब ये जो करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्या कह रहे हो? बोले आपको मैं कह रहा हूँ ये करेंसी, जो हमने अभी कमोडिटी की बात की है ना, इसको अब हम करेंसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी रिसीट का केस है, और 6 मंथ टाइम में यूएसडी आने वाले हैं 1.5 मिलियन। व्हाट इज द रिस्क? तो करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट किया ये पोजीशन ले ली मैंने, सही है जी। पहली सिचुएशन फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया? सही। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन हो जाएगा, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाएगा। इसका मतलब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गेन या लॉस इस बात पे डिपेंड करता है कि रिस्क मटेरियलाइज हुआ या रिस्क मटेरियलाइज नहीं हुआ, पकड़ने का तरीका बता रहा हूं। सही है? तो सर अगर आपका रिस्क था फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होना, अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गेन होगा वरना लॉस हो जाएगा, ऑपोजिट मूवमेंट पे लॉस। सर अच्छा, अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ जाता है? देखें, मिस्टर ए ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, बीच में कौन है? बीच में कौन है? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज यहां पर एज एन इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है, इसका कोई फायदा होगा? तो फिर गारंटी होगी हमारे पास। यस, रिस्क रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तब सिस्टम ये है कि जो मिस्टर ए है ना, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक इनिशियल मार्जिन देगा एक्सचेंज को, इनिशियल प्रीमियम में मार्जिन, इन्वॉल्व नहीं होगा। प्रीमियम अलग चीज होती है, इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाएगा। इसी तरह ये यहां पर एक्सचेंज को इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाएगा,
सही है सर। तो क्या मतलब मार्जिन से? टोकन मनी। तो, अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट ये उसी वैल्यू का पार्ट होगा, नॉट बियॉन्ड दैट। नहीं अलग से होगा, ये रिफंडेबल होता है। सर रिफंडेबल, ये कॉस्ट नहीं है, ये रिफंडेबल होता है। ये सिक्योरिटी के तौर पे रखा जा रहा है कि कल आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आपके बिहाफ पे आपकी पैसा रखा हुआ। सही। अच्छा होगा क्या, जब करेंसी की मूवमेंट शुरू होगी ना तो एक्सचेंज उसे डेली बेसिस पे कंसीडर कर रहा होता, तो डेली बेसिस होती है ना, दोबारा रिपीट करें। जब करेंसी की मूवमेंट शुरू होगी तो फॉरेन फ्यूचर मार्केट में गेन और लॉस होगा, एक पार्टी को गेन दूसरी पार्टी को लॉस। तो वो जो गेन और लॉस डिटरमिन होता है ना वो होता है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब है डेली बेसिस के ऊपर गेन और लॉस एस्टेब्लिश हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसको लॉस हुआ, एक दिन गुजरा, इसको गेन हो गया, सही है? किसका डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा है? मिस्टर ए के। मिस्टर ए के, तो एक्सचेंज जो होगा ना मिस्टर ए को कहेगा भाई आपका जितना ये लॉस हुआ है ना डेली बेसिस के ऊपर इसके अगेंस्ट आप वेरिएशन मार्जिन जमा करवाएं। यानी कि जिस पार्टी को लॉस हो रहा होगा ना उससे कहा जाएगा आप मार्जिन दें, और तो जिस पार्टी का गेन हो रहा होगा उसका मार्जिन तो भी ज्यादा जमा हो गया होगा, वो उसके अकाउंट में रहेगा, सही। अगर दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह फुलफिल कर देती हैं तो ये मार्जिन रिटर्न कर दिया जाएगा, सही। वरना जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया होगा उस पार्टी का मार्जिन होल्ड कर लिया जाएगा। सही 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 है। अच्छा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जब आप एक पोजीशन लेते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए आपको एक ऑपोजिट पोजीशन लेनी पड़ती है। मसलन अगर आज मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो फिर मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सही है, वरना तो हमारा पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे ये नहीं होता कि मैंने आज सेलिंग की पोजीशन ली है तो फिर दोबारा मैं बाय करके नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए जो डेट्स होती है ना उसके हिसाब से प्राइस का चक्कर होता है कि अगर मैंने आज 10 रुपए पे सेल की पोजीशन ली है तो जब मेच्योरिटी आएगी तो उस वक्त जो बाइंग पोजीशन होगी ना उस पर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। तो हम कहते हैं आज हम सेल करेंगे तो फ्यूचर में मेच्योरिटी पे बाय कर रहे होंगे, तो अफेक्टिवली हम बाय कुछ नहीं कर रहे होंगे, बाय बाय कुछ नहीं हो रहा होता, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे होते हैं। सही सही। तो अब इसका अल्टीमेटली जो गेन और लॉस की पोजीशन है वो हमें निकालनी पड़ेगी एग्जाम में कि गेन और लॉस कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सही सही। तो उसके लिए एक पूरा लंबा प्रोसेस है कैलकुलेशन का, उसको पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ। पहले स्टेप में हम एक हेज सेटअप करेंगे। हेज सेटअप में हमारा पहला जो काम होगा ना वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें करेंसी बाय करनी है या सेल करनी है। ये कैसे पता लगेगा? सर वो रिसीट ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रू, सही है, लेकिन दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये रिसीट, देखिए रिसीट होती है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं सेल, और पेमेंट होती है तो करेंसी क्या करनी पड़ेगी बाय। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिटेड करेंसीज होती हैं, और तो आपकी जो मतलूबा करेंसी है वो फ्यूचर मार्केट में है या नहीं? अगर मौजूद है, सही है, जैसे मुझे डॉलर्स आने वाले हैं और फ्यूचर मार्केट में डॉलर ट्रेड होता है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक ऑपोजिट पोजिशन लेनी पड़ेगी।
सही है। अच्छा तो अच्छा ये जो है ना बाय से ये बनेगा सेल से, ये स्ट्रेट नहीं होता, बार दफा कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, एग्जाम्पल करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कंफ्यूजन कैसे रिजॉल्व होगी। सर, तो मतलब अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो करेंसी ट्रेड नहीं हो रही तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा करेंगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। करेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे तो नहीं। वो इनडायरेक्ट वाला सीन तो नहीं होगा सर जो हम नहीं, उसमें कर रहे हाँ थे? अच्छा हाँ तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा ऐसा ही है। अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो पहले बाय और सेल डिसाइड कर लिया, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट किस मैच्योरिटी का चाहिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर मार्केट में तो धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे होंगे ना डॉलर के, सही है। और हर 3 महीने बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिच्योर हो रहा होता है। तो जैसे अप्रैल में मिच्योर हो रहा है, उसके बाद जून में मिच्योर हो रहा है, तो आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आप अपनी मर्जी से देखेंगे। तो आप एक्सपायरी डेट कैसे चूज करेंगे, आप देखेंगे कि रिसीट और पेमेंट कब आनी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीट एंड पेमेंट आनी है 30 नवंबर को, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो नियरेस्ट मिच्योरिटी होगी ना, वो नियरेस्ट मिच्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इत्तेफाक अगर कि हमें सिमिलर डेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमारी मर्जी की डेट हमें जरूरी है ना मिले, क्योंकि वो तो क्वार्टरली होती है, बीच में आपकी रिसीट या पेमेंट आ रही होगी तो क्या करेंगे। तो हम नियरेस्ट मिच्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, सही है। सही सही सर। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट यू वॉन्ट टू बाय और सेल। देखो लॉट होता, लॉट समझते हो, कभी फिशरी गए हो, फिशरी सब्जी नहीं सर, देखे मंडी गए हो। थे नहीं सर। अगर आप कभी सब्जी मंडी जाए या फिशरी जाए, या होलसेल मार्केट होती है, तो आपने कहा हाँ यार वो 1 पाव टमाटर दे दो, उसने कहा क्या हो गया भाई, ये तो पूरी टोकरी का हिसाब किताब है, लॉट में उठा देना सर। लॉट में उठाते। तो यहाँ पर भी एक लॉट होता है जो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज। मसलन एक कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है 2 लाख USD का, सही है। और मेरा जो एक्सपोजर है ना रिसीट और पेमेंट का, वो है 4 लाख USD। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज तो 2 लाख का है, मुझे चाहिए 4 लाख USD, तो मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, सही सही है सही है। है। अब कंफ्यूजन पता क्या होती है, बाज दफा हमारा एक्सपोजर और कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी मैच हो जाती है, और बाज दफा हमारा एक्सपोजर किसी और करेंसी में होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज किसी और करेंसी में होता है। मैं दोनों की एग्जांपल करवाऊंगा तो दोनों क्लियर हो जाएंगे क्या होता है। एक मिनट दो यार, जस्ट जस्ट 1 मिनट। हाँ जी हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ जी आ रही। ये 3 काम हो गए। अच्छा सर। ये है, सेटअप करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, और स्टेप नंबर 2 में आप एक्सचेंज से कांटेक्ट करेंगे। किसके लिए? इनिशियल मार्जिन के लिए। ये सारा काम अभी अभी हो रहा होगा, सही है। उसको बताएंगे कि जी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, एज पर माय नीड्स, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट साइज, इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो वो उसको इनिशियल मार्जिन बताएगा, और आपने पीछे जो ना, आपने पीछे जब ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी उसी में बिल्ट इन हो गई होगी, इस्टेब्लिश हो गई होगी, सही है। तो जब आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो आप उसे बताएंगे मैं इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ, इस करेंसी में लेना चाहता हूँ, और इस मैच्योरिटी के ऊपर मैं इस प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ कि मैं सही इस सर। प्राइस के ऊपर खरीदूंगा, जो भी डॉलर का रेट होगा, सही है। सही सर। अच्छा अब क्या होगा, अब मैच्योरिटी के ऊपर बात चली जाएगी। जब मैच्योरिटी के ऊपर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने जाएंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के ऊपर हम निकालेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर मार्केट, या तो हमें गेन हो रहा होगा या हमें लॉस हो रहा होगा, सही। ये कैसे निकालेंगे, हम पहले एक रेट पर सेल करेंगे तो क्लोज करने के लिए दूसरे रेट पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, सही है। ये दो रेट्स का जो डिफरेंस होगा ना, ये डिटरमाइन करेगा कि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये बाय और सेल उसी दिन कर रहे होंगे सर हम? नहीं नहीं, ये दो, ये आज हो रहा होगा और ये मैच्योरिटी के ऊपर हो रहा होगा। ये तो क्लोज करने के लिए कर रहा है ना, बाय पोजीशन जो है। अगर आज मैं सेल कर रहा हूं ना, तो ऑपोजिट पार्टी ने ऑटोमेटिकली बाय पोजीशन ली है, तो जब मैं क्लोज करने जाऊंगा तो मेरी पोजीशन बाय वाली हो जाएगी और ऑपोजिट पोजीशन की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेल वाली हो जाएगी। क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे दो पार्टीज होती है ना, एक बेचेगा तो दूसरा बाय करेगा। मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने सेल किया, पीछे तुम हो उस कॉन्ट्रैक्ट के, तुमने क्या किया हुआ होगा, बाय सेल? मैंने बाय किया होगा सर। सही है। अब मैंने सेल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज होगा ना, खत्म होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। जैसा ऐसा होता है ना, हम किसी से कूपन ले लें, वो कहे दो महीने बाद आके रिडीम करवा लेना, तो रिडीम करवाएंगे ना दो महीने बाद जाके। अब कहेगा रिडीम करने में जो प्राइस होगी उसके ऊपर ये रिडीम होगा, तो आप ये समझ लें क्लोज करने का मतलब रिडीम करवाना, ठीक है, सही है। उसी से इसकी गेन और लॉस डिटरमिन होता है, सही सर, सही है। और फिर इसी में तो हाँ, फिर इसी में आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी एक्चुअल मार्केट के अंदर, और वहां से नेट गेन और लॉस डिटरमिन हो जाएगा कि आपकी अल्टीमेट पेमेंट कितनी गई और आपको कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ। अब एक एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स हमारे वन गो में सारे कवर होते हैं, तो फिर आपकी समझ में आएगा कि हुआ क्या है।